एप्पल ने अपना नया आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स ये चारों लॉन्च कर दिए। उसके साथ साथ एक नई एप्पल वॉच और नए एयरपॉड्स प्रो 2, ये सारी चीजें हमने ट्राई करी हैं। हम आज गए थे एप्पल पार्क, एप्पल का जो नया हेडक्वार्टर है उसमें काफी सारी मस्त मस्त जगह देखी, काफी सारे मस्त मस्त लोगों से मिले। स्टीव जॉब्स थिएटर में एक्चुअल इवेंट था, उसके बाद पर्दे खुले, हमने सारे फोन्स को ट्राई करा है। डेफिनेटली काफी एक्साइटेड हूं, आपको तेजी से बताता हूं। सबसे पहले एप्पल वॉच नई सीरीज 8, इसमें बैटरी में इंप्रूवमेंट्स हैं। इस 7 साल से पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच है। इस बार काफी जान बचाने वाले फीचर ऐड करते हैं, क्रैश डिटेक्शन ऐड कर दिया। अगर आपकी गाड़ी वाड़ी क्रैश करती है तो उसमें ये ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉलिंग कर देगा। एक नया टेम्परेचर सेंसर ऐड कर रखा है और 18 घंटे की बैटरी लाइफ प्रॉमिस करी जा रही है, और अगर आप लो पावर मोड पे चला तो 36 घंटे तक चल सकता है। वुमेन्स हेल्थ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी अगर आपको ट्रैक करना है तो उसमें भी काफी सारे नए नए चेंजेस। एप्पल की नई एसी वॉच सेकंड जनरेशन में भी थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, 30% बढ़ी है, बिना फोन के भी आप कॉल कर सकते हो, और ऑफकोर्स प्राइस। बट एप्पल ने अपनी नई एप्पल वॉच अल्ट्रा फाइनली लॉन्च कर दिया। ये एकदम प्रोएस्ट ऑफ द प्रो है, सबसे महंगी वाली वॉच है, अच्छे खासी भाई 90,000 रुपए की स्मार्ट वॉच। देख सकते हो भाई, डायल काफी रगेड सा है, पूरी टाइटेनियम बिल्ड है, अभी तक का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है किसी भी स्मार्ट वॉच के ऊपर 2000 निट्स ब्राइटनेस के साथ। उसके साथ साथ एक्शन बटन एक और ऐड कर दिया गया, 2 स्पीकर्स हैं, 36 घंटे की बैटरी लाइफ इसके अंदर ऐड कर रखी है, और लो पावर मोड पे चला तो 60 घंटे तक खिंच जाएगी। और डाइविंग के लिए भी इसमें फीचर्स ऐड कर रखे, तो अगर आप अंडर वाटर पे जाते हो वो भी ट्रैक करता रहे कितनी डेप्थ तक आप गए अंदर, ऊपर नीचे सांसें कैसी चल रही थी, सारी चीज भाई A to Z सब कुछ। और इसके बाद एप्पल के नए एयरपॉड्स प्रो 2, ये दिखने में बाहर से ज्यादा फर्क नहीं पुराने वाले जैसे ही है, बस अगर आप आउटर केस पे देखो ऐसे हुक लग रखा है, मैंने अभी 3 दिन पहले खोए थे। इस हुक से आप बांध बांध के रख सकते हो अपने बैग के अंदर, बट जब भी आपका मन करे खोलो, निकालो, पहनो, यूज करो। पहनने की बात करी तो इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल ईयर टिप्स भी दे रखे, तो अगर आपके कान छोटे, मेरे थोड़े से अजीब से, बट किसी और के छोटे हैं तो भाई वो भी लगा सकता है। एप्पल ने इसमें अपनी नई H2 चिप ऐड कर रखी है, मतलब म्यूजिक काफी ज्यादा अपग्रेड हो गया। और एक चीज डेफिनेटली काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई है, वो हमने ट्राई करके भी देखा, वो है नॉइस कैंसिलेशन, 2 टाइम्स बेटर हो गया। और एप्पल प्रॉमिस करता, मैंने जैसे ही ट्राई करा मेरे को डेफिनेटली फर्क फील हुआ। इतने बड़े रूम में जहां पे बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा लोग हैं, वहां पे भी भाई सारी नॉइस खत्म हो गई, तो बड़ी बात मेरे को लगी। उसके साथ साथ एक पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो था, ये मैं एक्चुअली इतना अच्छे से ट्राई नहीं कर पाया, बट ये काफी डिफरेंट सा एक अपग्रेडेड स्पेशल ऑडियो वाला लगा, कि मतलब ऐसे सर्वर जितना भी घुमा लो ऊपर नीचे आगे पीछे आवाज एक ही तरफ से आती। बैटरी लाइफ भी 30% बेटर कर दी गई है, 6 घंटे की बैटरी लाइफ इसमें आपको देखने को मिलती है। और अब आप एप्पल वॉच के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, मैक्सिफ से भी कर सकते हो। बट भाई सबसे बड़ा लॉन्च है नए आईफोन्स का, इस बार 4 आईफोन्स आपको देखने को मिलते हैं, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max। अब भाई मिनी मिनी हो गए हैं गायब, iPhone 14 Plus और iPhone 14 Pro Max जो है इन दोनों की 6.7 इंच स्क्रीन है, और iPhone 14, iPhone 14 Pro की 6.1 इंच की स्क्रीन है। और डिस्प्ले की बात करें ना, तो भाई तगड़े डिस्प्ले पे तगड़े वॉलपेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, फ्रेश वॉल्स हमारी ऐप के ऊपर, ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, हर जगह मिल जाएंगे। iOS 16 में जो नया डेप्थ इफेक्ट आया जिसमें से क्लॉक कट के दिखती है, उसके लिए हमने स्पेशल ये सारे वॉलपेपर्स बनाए। इसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, वॉलपेपर ब्लर ब्लर करने का मन करे, बट हाँ भाई स्क्रीन पे देखने में मजा आएगा। तो नहीं, iPhone 14 में भाई 20% बेटर बैटरी है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, A15 जो पुराना वाला चिपसेट है वही आपको देखने मिलता है, ये भी काफी केपेबल प्रोसेसर है, बट प्रोसेसर में iPhone 14 में अपग्रेड नहीं करा गया। iPhone 14, iPhone 14 Plus दिखने में काफी हद तक सिमिलर हैं, वही सेम कैमरे का स्टाइल है टेढ़ा वाला, और साइड भी सेम है, फ्रंट भी सेम है, वही सेम नॉच आपको देखने में मिलती है, डिस्प्ले मुझे हल्का सा इंप्रूव लगा। और एक चीज और गायब हो गया, अभी चार्जर गायब हुआ था, अब सिम ट्रे गायब कर दी, सिम ही नहीं है यूएस वाले मॉडल्स के अंदर सिम ट्रे नहीं है, तो यूएस में अगर आपको चलाना है तो आप खाली ई सिम से चला सकते हो, जो काफी ज्यादा वियर्ड है बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आईफोन के अंदर भी क्रैश डिटेक्शन ऐड कर दी गई है, बट सबसे बड़ा अपग्रेड जो करा गया वो है कैमरे के अंदर। बैक साइड में 2 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं f1.5 के साथ, और दोनों में ये काफी बड़ा अपग्रेड है, 48% भाई बेटर लो लाइट इमेजेस आ रही है, ऐसा एप्पल क्लेम कर रहा है। नाइट मोड 2 टाइम्स फास्टर हो गया है, और इसके साथ साथ एप्पल ने अपना एक फोटोनिक इंजन डेवलप करा है, जो एप्पल क्लेम कर रहा है कि भाई 2 टाइम्स इंप्रूव कर रहा है फ्रंट कैमरे को, 2 टाइम्स इंप्रूव कर रहा है अल्ट्रा वाइड को, और 2.5 टाइम्स इंप्रूव कर रहा है प्राइमरी को। इसमें इंप्रूवमेंट लाइट में और जो डिटेल आ रही है उस कैमरे के अंदर, उसके अंदर करी गई है, जो मेरे हिसाब से भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटिंग है पेपर पे। आईफोन के फ्रंट कैमरे काफी मतलब डिसेंट से रहे हैं पहले, बट इसमें डेफिनेटली भाई एक काफी बड़ा अपग्रेड करा गया। एक एक्शन मोड भी ऐड करा गया, जिसमें अगर आपको ऑन करते हो तो उसका शेक वेक करके वीडियो बनाते हो तो काफी मतलब स्मूथ फुटेज आ जाएगी, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन। इसमें जो भी फ्रेम है पूरा क्रॉप हो जाता है, तो आप
मैक्सिमम रेजोल्यूशन 2.8K में रिकॉर्ड कर सकते हो, डॉल्बी विजन HDR, और भाई नया आईफोन सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता भाई। और अगर आप कहीं पे भी फंस जाओ, यूएस में आप किसी पहाड़ी पे चढ़ जाओ, येलोस्टोन वोन है, तो आप लोकेशन भेजोगे मम्मी पापा तक पहुंच जाएगी। बट ये अभी के लिए खाली यूएस और कनाडा में वर्क करता है, और एप्पल ने काफी अच्छे से पार्टनर करा है, तो इमरजेंसी सर्विस वाले जितने भी यहाँ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भी यहाँ अगर आप कहीं पे भी खो जाते हो, ऑटोमेटिकली आपका फोन आपका ख्याल रखेगा। तो मेरे को ये फीचर डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक मैं सीक्रेट बताता हूँ, इन चारों फोन्स में से जो प्रो सीरीज है और आईफोन 14 सीरीज भी है, सबसे बेस्ट बैटरी नॉट प्रो मैक्स के अंदर, आईफोन 14 प्लस के अंदर, क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा सा कम पावर हंग्री है, जो डिस्प्ले है वो कम बैटरी लेता है, और थोड़ा सा हल्का स्मार्टफोन है, और इसमें बैटरी भाई सबसे ज्यादा चलने वाली है, इवन प्रो मैक्स से भी ज्यादा। बट अब आ जाते हैं प्रो भैया के पास। देखो पिल बोलो, पंच होल, हमको लग रहा था कि दो होल आएंगे, आई लिखाएगा, बट हमारे पास आया डायनामिक आइलैंड, ये एप्पल ने नया नाम दिया। काफी अजीब सा, थोड़ा सा अटपटा सा डिजाइन है, और किसी भी फोन में मैंने इस टाइप का कटआउट नहीं देखा अभी तक, बट डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है। आईफोन 14 और 14 प्लस काफी सारे कलर्स में आ रहे हैं, एक लाइट पर्पल है, व्हाइट है, लाइट ब्लू है, ब्लैक है, और प्रोडक्ट रेड वाला जो एडिशन है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट रेड कलर का है। आईफोन 14 प्रो में भी इस बार चार कलर्स आपको देखने में मिलते हैं, एक पूरा ही एक मैट ब्लैक फोन है, उसके बाद एक व्हाइट कलर है, एक गोल्डन कलर है, और एक डीप पर्पल। पर्पल आजकल भाई थोड़ा चल रहा फैशन में। डिजाइन इस बार की आईफोन्स में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट अगर आपको करना है चेंज तो आप यूज कर सकते हैं layers.shop की स्किन्स, कलरफुल ब्राइट टेक्सचर्ड स्किन्स, हाथ में पकड़ने में भी टेक्सचर्स काफी प्यारे से फील होंगे, और डिजाइन भी जो आपके दिल के करीब वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आईफोन को नया लुक देना चाहते हैं तो जाग खरीदे एट layers.shop। डायनेमिक आइलैंड डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्यों भाई यहाँ पे कैमरा का सेंसर है, उसके साइड में दो और सेंसर हैं, वो स्क्रीन के पीछे, बट आप बीच वाला भी जो डिस्प्ले है, ऑल्दो ब्लैक कलर का है, बट उसको आप स्टिल यूज कर सकते हो, उसके ऊपर आप टैप करोगे तो एक्चुअल चीजें खुल जाती हैं। और ये मेरे को थोड़ा सा डाउट था, बट मैंने एक्चुअली ट्राई करा तो मेरे को पता चला। और ये जो डायनेमिक आइलैंड है, इसमें काफी सारी एप्स की इंटीग्रेशन है, तो आप काफी सारी एप्स जैसे म्यूजिक आप खोलते हो तो वहां पे चली जाती है, वहां पे चीजें आती रहती है, ऊपर ही इंटरेक्टिव सा बन जाता है, अगर आपने अलार्म क्लॉक खोली तो वो भी आ जाती है, फिर दो एप्लीकेशन आप एक साथ भी खोल सकते हो, और काफी सारे फीचर्स जैसे फेस आईडी भी अनलॉक हो रहा है, तो उसमें भी यही थोड़ा सा सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एनिमेशन है, काफी सारी चीजें हैं। कोई चीज अगर डायनेमिक आइलैंड में जा रही तो आप ऊपर स्वाइप करोगे तो एक्चुअल एनिमेट होकर ऊपर आइलैंड में चली जाएगी। सॉफ्टवेयर के फीचर्स है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, दिखने में भी काफी ज्यादा कूल लगता है। हाँ भाई, दिखने में बोलूं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा नया सा है। कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, फास्ट चार्जिंग और एक पूरी टाइटेनियम वाली बिल्ड, बट नहीं है दोनों, चलो कोई बात नहीं। बट एक चीज है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले की ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जाती है, और उसमें काफी सारे फीचर है, अगर शक्ल है तो वो भी काफी डार्क हो जाती है, और आप पड़े पड़े भी यूज कर सकते हो। बस मैं होप कर रहा हूँ कि ये बैटरी ज्यादा ना खाए, अभी तक ट्राई नहीं करा, बट हाँ भाई पता चलेगा। एक चीज जो डेफिनेटली काफी तगड़ी है वो है डिस्प्ले, ये अभी तक का ब्राइटेस्ट स्मार्टफोन डिस्प्ले है, 1600 निट्स ब्राइटनेस, और आउटडोर्स में कुछ कुछ एरियाज में ये 2000 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है भाई सुनने में। और जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चलाते हो 1 हर्ट्ज तक, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लोली इसका एक्चुअली डिस्प्ले चलेगा, तो आपकी बैटरी बिल्कुल कम नहीं होगी। और इन दोनों ही फोन्स में एप्पल ने अपनी नई A16 बायोनिक चिप ऐड कर रखी है, 4 नैनोमीटर बनी है, और इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं। 6 कोर CPU है, 16 कोर का न्यूरल इंजन है, और एक 5 कोर का GPU, डेफिनेटली भाई पुराने वाले से अपग्रेड है। और एक्चुअल हम गेम के लिए परफॉर्मेंस तो टेस्ट नहीं कर पाए, बट हमने जितनी भी एप्लीकेशन चलाई लाइव, हमने वीडियोज को भी एडिट करा, 6K वीडियोज को, 6GB की वीडियो है जो 1 मिनट की फुटेज है, इसमें हमने फिल्टर विल्टर लगाया, बिल्कुल भी लैग, बिल्कुल भी डिले, ऑलमोस्ट सारी चीजें रियल टाइम में होगी, तो डेफिनेटली भाई पावरफुल तो लग रहा है। बट एक चीज में जिसमें सबसे बड़ा चेंज है वो है कैमरा। कैमरे में अगर आप बैक साइड में सेंसर देखो, ऐसे दिखने में लगता ज्यादा चीजें इंप्रूव हुई हैं, बट एक्चुअली इस बार 12 मेगापिक्सल को हटा दिया भाई, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको देखने में मिलता है, और बाकी दो 12 मेगापिक्सल के हैं। ये एक 65% लार्जर सेंसर है, 2 गुना बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस है, और एक 2x टेलीफोटो जुगाड़ से आपको देखने में मिल जाता है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, तो आप क्रॉप करके भी 2x में खींच सकते हो, वाइड एंगल से आप अभी भी मैक्रो फोटोज ले सकते हो। और मेरे को एक चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी है, तो एक 48 मेगापिक्सल कैमरा, बट जब आप नॉर्मली फोटोज खींचोगे वो 12 मेगापिक्सल की फोटोज ही आएंगी। अगर आपको 48 मेगापिक्सल में खींचनी है तो आपको जाके प्रो मोड में खींचनी पड़ेगी, जो काफी इंटरेस्टिंग है, बट ज्यादा मेगापिक्सल से जोड़ के ये लो लाइट में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देता है। अपने प्रो रॉ वाला एक मोड ऐड कर दिया, इसमें आप भाई फोटोज खींच सकते हो, उसके साथ साथ वीडियो में आप एक्शन मोड भी चला सकते हो, सिनेमैटिक मोड में भी भाई 4K का ऑप्शन है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे
इस बार के आईफोन में लगी है डिटेल के अंदर। प्राइमरी कैमरा में बहुत ही ज्यादा डिटेल देखने के लिए मिलती है। आप जितना भी जूम इन करोगे बालों पे किसी भी चीज पे काफी ज्यादा नेचुरल फोटोज आती है और डिटेल काफी तगड़ी। और इवन फ्रंट कैमरे में जो हमने फोटोज खींची है उसमें काफी क्रिस्प इमेजेस और लाइटिंग भी काफी बैलेंस मुझे लगी। फ्रंट कैमरे में ऑटो फोकस भी ऐड कर रखा है और मल्टीपल अगर लोग होते हैं बैक साइड में भी फ्रंट साइड में भी एक बार में ये फोकस कर सकता है, जो मतलब थोड़ा चीज है बट भाई डेफिनेटली काम करता है। फ्लैश थोड़ा सा इंप्रूव कर गया, फोटोनिक इंजन जिससे लो लाइट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है वो सेम आपको प्रो मॉडल्स में भी देखने को मिलता है। और फाइनली भाई बात आ जाती है प्राइस की। मैं बताता हूँ आईफोन 14 आपको देखने के लिए मिलेगा 80,000 रुपए का, 79,900 रुपीज। ये सेम प्राइस है जिसमें आपको आईफोन 13 मिलता था। आईफोन 14 प्लस आपको देखने के लिए मिलेगा 89,900 रुपीज में। आईफोन 14 प्रो आपको देखने के मिलेगा 1,29,900 रुपीज। और iPhone 14 Pro Max आपको देखने के लिए मिलेगा 1,40,000 रुपए का। भाई डेफिनेटली प्रो मॉडल्स में प्राइस बढ़ा दिया गया है। 1,40,000 रुपए एक फोन के लिए काफी ज्यादा फील होते हैं। और अगर आपको एकदम ही ऊपर लेके जाना है तो 1 TB वाला iPhone 14 Pro Max आपको 1,90,000 रुपए के अराउंड का पड़ेगा। मेरे को एक चीज थोड़ी सी वेट लगी कि US में जो प्राइसेस बढ़ाए गए वो थोड़े थोड़े थे, इंडिया में जो प्राइसेस बढ़ाए गए वो काफी ज्यादा ज्यादा बढ़ाए गए, तो ये मुझे थोड़ा सा समझ कम आया। बट हाँ, जो प्राइस वेरिएशन है उसके अपने भाई रीजन है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। बट अभी इस वाली वीडियो के लिए इतना था। आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी प्राइसिंग और आपको कैसे लगे नए वाले स्मार्टफोन्स। मैंने जितना भी ट्राई करा मुझे कैमरे में सबसे बड़ा अपग्रेड देखने के लिए मिला। डायनेमिक आइलैंड अपना लाइक ठीक है, मेरे हिसाब से डिजाइन में थोड़ा सा और अपग्रेड करते और उसके साथ साथ एक फास्ट चार्जिंग और ऐड हो जाती तो और ज्यादा मजा आता। बट चलो नेक्स्ट वाले के लिए भी तो कुछ बचा के रखना। इतना देर वाली वीडियो के लिए होपफुली आपको मजा आया। अभी मैं आ रखा हूँ सैन फ्रांसिस्को में, थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे, मजे करेंगे, एप्पल पार्क का भी व्लॉग बनाएंगे और मैं मस्त लोगों से मिला था उनको भी दिखाते हैं व्लॉग में। चलो ओके बाय।